वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट पे और आप देख सकते हैं हम बस से उतर चुके हैं और बाकी हमारा आनंद दोस्त है, हमारा आनंद नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ग्वालियर फोर्ट। चलिए यहाँ पर आप देखिए साउंड एंड लाइट्स होगा, उन्हें देख सकते हैं आप। हम सब लोग फोर्ट के अंदर इंतजार करते हुए, ये है हमारा नेता, गाइस कैसा हो, दीपांशु जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दीपांशु जैसा हो। ये मेरी प्रतिद्वंदी जो मेरे खिलाफ लोग शूट कर रही है और मैं इसके खिलाफ, इसकी इसे देख लीजिए और इसकी वीडियो का बहिष्कार करें, इसकी वीडियो का कर रही है ये अपना दिल्ली वाला नेचर भूली नहीं है, अभी भी धुलुलुलु कर रही है। देख सकते हैं आप कितने सुंदर सुंदर लोग। देख सकते हैं आप आनंद और दीपू लड़ते हुए और ये ऊपर वे कूदा। नहीं नहीं, जवान लोग लड़कों को लड़कियों को व्लॉगिंग का शौक चढ़ा है। देखिए इन्हें भी देखिए, जिन्हें कैमरा पकड़ना तक नहीं आता वो व्लॉग शूट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, क्या रिएक्शन है आपका फोर्ट देख के। देख सकते हैं आप, ये फोर्ट है, फोर्ट के नाम पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोग दिख रहा है। फोर्ट के नाम पे फोग स्वीकार नहीं है। देखिए ये लोग बड़े परेशान, मायूस चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा है फोर्ट कितना सुंदर है। देखिए कैसा लग रहा है फोर्ट को देख के, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। सही से देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर बाद शायद हम अच्छे से देख पाए और फोर्ट अच्छी आए, तो इस चीज का वेट करेंगे। 1 किलोमीटर और हाइट इज 100 फीट। तो पहले एक हिल थी, ये इस हिल को बोलते थे विंध्याचल। तो इस हिल पर एक ऋषि रहते थे, ऋषि का जो नाम था गालव ऋषि, यानी ग्वालियर पार्क के नाम से भी जाना जाता। तो शहर को जो नाम दिया था ग्वालियर, वो गालव ऋषि के नाम पर ही शहर को नाम दिया। तो ये गालव ऋषि की एक तपोभूमि पर अपन खड़े हैं। हे गाइस, देख सकते हैं सब फोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे सब फोटो खिंचवा रहे हैं, हम भी खिंचवा रहे हैं। 11 बच्चों के हैं, अभी हमें दूसरा फोर्ट भी कवर करना है, टाइम बहुत कम है, देखते हैं कैसा होता है। अब नीचे हम चलने वाले हैं, जो कि नीचे इसके मल्टीपल स्टोरी, ये पैलेस है और इस पैलेस में बताया गया हमें कि 3 स्टोरी नीचे हैं और 3 स्टोरी ऊपर हैं। बहुत ही हिस्टोरिक पैलेस है यहाँ पे, यहाँ पर ये वर्ल्ड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा किला, शायद नौ राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। हाँ, नो डायनेस्टी, जो मेन राजा हुए हैं, जो कि राजा मानसिंह तोमर थे, पहले बोलना सीखो, उन्होंने ये बनवाया था और उनकी 8 रानियां थी, जो कि आप देख सकते हैं कितना शानदार ये पैलेस है। आप इसकी आर्किटेक्चर ही देख सकते हैं, और ये अब तक ऐसे का ऐसा ही है। नहीं नहीं, इसकी टाइले झड़ गई है, बहुत पुराना हो चुका है इसको। हमारी टिकट कंफर्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं इस महल के अंदर। ये रहा मैनेजर, जो कि ग्रुप टू करके ही मर जाए। देखने में काफी शानदार, काफी लोग यहाँ पे घूमते हुए जो शायद साउथ इंडिया से हैं, सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। We should also talk in English, guys. As they all are speaking in English and talking English, and we are amazed to see that
अगर मैं गिर गई गाइस तो प्लीज हंसना मत. They are such nice people who are wearing such good dresses. ऐसे किसी की ड्रेस पे कमेंट करेगा तो चाटा खाएगा. बोल रहे गर्ल्स आर वेयरिंग सच अ नाइस क्लोथ्स. नो वन नाउ बेटर देन काजल. जस्ट लुक एट हिम. देखो एएसआई ने जो बोर्ड लगाया है मान मंदिर पैलेस मान इज नेम राजा मान सिंह पैलेस मंदिर इस पैलेस के अंदर जो बना हुआ पैलेस देख सकते हैं आप. ये थोड़ा अंधेरा है काफी ज्यादा यहां पे डालते थे गाइस. ओए चुप 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 चुप. और जैसे कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं और हमारे अंदर चुल बची रहती है किसी चीज को करने जो अंदर की गर्मी है वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है. वो इतनी ठंड में भी शांत नहीं हुई है मैं समझता हूं. आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे. प्लीज गैदर फास्ट. इकट्ठा होना. पहला जो कमरा है रानियों का म्यूजिक रूम यहाँ पर रानियां संगीत सुना करती थी. तो इस पैलेस में सिर्फ 8 रानियां रहती थी. तो आप देख सकते हैं इसमें ऊपर साइड चारों तरफ पूरी 8 विंडो बनी हुई है यानी विंडो के पीछे रानियां बैठती थी. और इनके जो म्यूजिशियन जो संगीतकार लोग होते थे वो नीचे साइड दोनों तरफ बैठा था. उस समय मेरे पास जितने भी जो पिलर्स आप देख रहे हैं उनका सब पर सिल्वर प्लेटेड पत्राएं होती थी. इनमें सब में मिरर भी होते थे ग्लास और वैसे. ये रिंग्स आप देख रहे हैं ये रिंग्स सबसे ऊपर तक पर्दा जाता है. पर्दा सिस्टम ये था कि नीचे जो संगीतकार लोग बैठते हैं वो पर्दे से रानियों को तो नहीं देख पाते थे लेकिन रानियां मिरर के रिफ्लेक्ट में संगीतकारों को देख सकते. समय का जो पर्दा सिस्टम यहाँ पर देखा है सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उसमें से गुजरात है. गुजरात का जो फेमस क्या होता है डांडिया. डांडिया यानी दो लेडीज स्टिक से जो डांडिया खेलती है. आप जालियों पर नजर मारे पेपर जाली पे बच तो जब इब्राहिम लोधी ने जब इस पैलेस पर अटैक किया तब यहाँ से वो सब लूट के ले गया. इसके बाद देखिए दीवाने खास आई थिंक दैट बन जाता तुम ब्लॉग बोल रहे हो शायद एक मॉडल है जहां पर काफी अच्छा आर्किटेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें लोग बैठते होंगे. और यहां पे जो कुछ बच्चे हैं फोटो खिंचवाने में ज्यादा मग हैं वी शुड मूव अहेड. आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आगे देख रहे हैं दीवारों पे कैसे आर्किटेक्ट को किया गया था उस समय पे. सृष्टि के जो रचा था वो ब्रह्मा जी थे. ओ फोर ऑपरेटर सृष्टि को चलाया वो विष्णु भगवान तो उसमें जो ट्रायंगल वो गॉड के लिए बना. हर जगह कैमरे नहीं देते हैं बाहर भी आउटसाइड में क्लासेस सनलाइट की बॉटिंग डे में इनको भी कवर करके रखा जाता है. हेलो 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 जिसमें क्या होता है कि जो हम आवाज देते हैं ना इसमें कुछ बोलते हैं तो वो थर्ड फ्लोर पे केशर कुंड तक जाता है. और ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे लेकिन क्या फायदा इससे भी हिमांशी का कुछ नहीं होगा. और इसमें एक बात और है कि इस पे हमारी हाइट नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि पहले के लोग बहुत ऊंचे होते थे. और पहले जो दरवाजे होते थे वो मतलब नीचे बनाए जाते थे क्योंकि अगर कोई तुम्हारे घर में घुस रहा है तो सिर झुका के घुसे चाहे तुम्हारा घर छोटा ही क्यों ना हो. बिल्कुल. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूट्यूबर जिनकी हाइट ज्यादा वो इसका ध्यान रखना. देखो भाई तू नहीं चलो
जाता था। यहाँ से जो रानियाँ थी वो दीवाने आम और दीवाने खास देखा करती थी, क्योंकि उनको इजाजत नहीं थी कि बाहर जाके अपना पर्दा उतारे और लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करे। दैट्स व्हाई दिस थिंग यूज्ड टू दे यूज। और इसमें एक बात और है कि इसमें अंदर से तो हम ले सकते हैं बाहर का, बाहर का बाहर का हमें अंदर नहीं देख सकते। तो गाइस इस बात से हमें ये पता चलती है महल आपका कितना भी बड़ा हो लेकिन अगर ऐसा सिस्टम है तो कैद खाना ही है। ये पहले झूला घर होता था महारानियों के लिए, फिर इसे फांसी का घर बनना। आप देख रहे हैं ये होल्स, आप देख रहे हैं ना पूरा ऐसे लाइन से है, काफी बंद भी कर दिए गए इसमें से। तो ये सनलाइट के लिए बनाए जाते हैं। सनलाइट यानी कि इसका वेंटिलेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ पर ऑटोमेटिक सनलाइट रहेगी। अभी तो लाइट है ही नहीं, सिर्फ उजाला देखेगा, सनलाइट नहीं है। तो जब अंधेरा मतलब तो लाइट है, पर लाइट जब नहीं होती थी तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको उजाला नजर आता। तो लेकिन बाद में इसी को चेंज किया गया था फांसी के, यानी औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को और अपने फादर को पहले कैद किया था, वो यहाँ कैद किया। कैद करने के बाद वो आगरा से जब वापस लेकर आए थे फांसी के लिए, तो आप देखो यहाँ स्टोन निकला दिखेगा और आप ये इधर भी देख सकते हैं ये भी निकला पड़ा। तो बताते हैं कि यहाँ से वहाँ तक सॉलिड लोहे की एक रॉड को पहले फंसाया गया था और बाद में बीच में सेंटर में उसको यहाँ फांसी दी। तो बाद में इसी झूला घर को फांसी घर पर टेलीफोन ये अमेजिंग होगा, 500 साल पहले का टेलीफोन सिस्टम। इसमें आपको टू होल्स नजर आ रहे हैं, टू होल्स यानी एक बोलने के लिए होता था एक सुनने के लिए होता था, यानी यहाँ से जो आप बोलेंगे वो थर्ड फ्लोर माइनस थर्ड में केशर कुंड में जाके सुनाई देते। वो आपके पास यहाँ पे सुनाई पड़ती थी। 500 साल पहले इंटरकॉम सिस्टम को यहाँ पे दिखाया। आज के समय में कोई पाइप लाइन में आप बोलेंगे लास्ट तक आवाज पहुंचेगी, 500 साल पहले अंडरग्राउंड की कटिंग में लाइन डाली थी। पर अब ये वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि डस्ट पूरा कचरा जाने से लाइन बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, वर्क नहीं करती है। हेलो हेलो, नीचे भी आपको मिलेगा कौन आवाज आ रही है। सर दीपू को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर। हां दीपू मुझे पता नहीं, ये तो मेरे हाथ वाले से आ रही है, देख सकते हैं लोग को पास से निकलते हुए। देख सकते हैं बहुत ही संकरी गुफा से गुजरते हुए बनाया क्या है ये, बहुत ही कमाल का ये बिल्डिंग किला और बहुत ही सुरक्षित, दुनिया का सबसे सुरक्षित किला हो सकता है ये। रोशनी के लिए देखिए क्या शानदार, ये इन्होंने यहाँ पे गोला बनाया हुआ है जिससे क्या हो इस गहरे इसमें उजाला आ सके। अच्छा, और ये एक नहीं बनाया गया, काफी जगह बनाए गए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं जो पिलर है। देखिए आइए संभल के आइएगा, देख सकते हैं यहाँ से हम जैसे नीचे आए वहां से ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हम नीचे उतर रहे हैं तो ऊपर कोई नहीं जा सकता, एक जना नीचे आ सकता है और दूसरे जीत से कोई व्यक्ति ऊपर भी जा सकता है। देख सकते हैं आप अभी कुआं सा लग रहा है, केसर कुंड है जहाँ पर ये लोग क्या करते थे केसर डाल के नहाते थे। आप अपनी औकात का पता लगा सकते हैं इससे, केसर से नहाते थे इसलिए वो ज्यादा सुंदर होते थे। इसका मतलब ये है कि उनको अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट दिए जाते थे। अगर आपको केसर कुंड समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी भाषा में इसे स्मॉल स्विमिंग पूल समझ सकते हैं। It's just like a small swimming pool. माइनस थर्ड में आप देख रहे हैं रानियों के लिए, मैंने बताया था केशर कुंड,
तो ये वो कुंड है, लेकिन बाद में इसको पैक कर दिया गया क्योंकि अभी प्रॉपर लाइट है, आपको सब कुछ दिख रहा है। जब पहले के टाइम पर इतनी लाइट जब नहीं होती थी तो उस वाटर टैंक में काफी लोग आके गिर जाते थे। तो एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको पूरा कवर कर दिया, यानी पहले कितना था वॉल टू वॉल होकर, अब इतना डीप भी नहीं है, यहाँ पर लगभग 8 फीट डीप होता है, यानी 8 फीट। जहाँ से आप लोग गेट से उतरे वहाँ से उतरने के लिए इसमें क्या होता था कि स्टेयर बनी होती थी, चारों साइड से स्टेयर होती थी पानी में, और बीच में आपके लगभग 8 फीट डीप ना होता, वो सब बंद कर दिए सही में, थोड़ा बंद कर दिए उखाली करने के लिए रास्ते। अगर आप पीछे देखें तो आपको रास्ता रिमिट आ रहा है, ये रास्ते दो हैं, यहाँ से वाटर टैंक को भरा जा सकता है, यही से वाटर टैंक को खाली भी कर देते हैं। तो आगे का रास्ता ज्यादा शेप नहीं है क्योंकि ये वाली बंद किया। अरे तो अब हम आ चुके हैं इस महल से बाहर, जिसका नाम था मान मंदिर पैलेस, जो बना था 1516 में, और ये बहुत अच्छा था, हमने एंजॉय किया और हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली इसके बारे में जानकर। प्लीज एक व्यू दे दीजिए, चलिए बहुत सुंदर है। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, जयविला पैलेस, तो अभी जयविला पैलेस कैमरामैन दीपू के साथ तो गाइस अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गाइस, हमने इस महल को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया है, नाउ वी ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैम मुझे इस औरत को अपनी वीडियोस में शामिल नहीं करना है, ये बहुत वाहियात औरत है गाइस। बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, बाय राजा, तुमने मेरे पैलेस बनवाया, राजा मैं जा रही हूँ, राजा मुझे पता है मैं पिछले दिन अपने मुंडे के नैनो ही थी, इसलिए मेरे नैनो को ये हो गया, बकचोदी नहीं करनी है यार, ये तो मैं कर भी नहीं सकती। आपकी पुरानी ब्लॉगर वही रहेगी, मैं बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करती हूँ। ये हमारे रिसोर्स पर्सन है, ये रिसोर्स पर्सन जो हमने अभी एक घंटे के लिए बुलाया है इंटरव्यू के लिए, गाइस अब ये मेरे फोन से अपलोड करेगा थोड़ी देर में, बोलेगा मेरे को अपलोड करने का डाइट नहीं देगा। Look at this. Please turn yourself and show them the. Please use the dustbin. Please gather at the designated. Please use the dustbin because we should keep our country very very clean. Clean. And we should always. Be hygienic like me. आप देख सकते हैं हमने सकते हैं पॉपकॉर्न खाते हुए, ये दोस्त के नाम पे चला, आज हमने एक नेक काम किया है जिसमें हमने एक जो बाबा थे उनकी थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी तो नहीं, बहुत छोटी सी मदद की है और हमें काफी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। ये डस्ट ये हमने उनसे खरीदा, ये होता है दिखावा करना जो कि आप ना किया करें। हाँ 10 रुपए की चीज ले ली, वीडियो बनाने लग गए ब्लॉग, ये देख सकते हैं नो प्लास्टिक जोन लिखा है और यहाँ पे नीचे प्लास्टिक की प्लास्टिक का ढेर, मोए मोए, दिल्ली हो चाहे ग्वालियर, हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। नो प्लास्टिक जोन में प्लास्टिक फेंकना एक इंडियन की पहचान है। फोर्ट पब्लिक बाइक स्टेशन पर यहाँ पर बाइक तो नजर रहते हैं, यहाँ तो बाइक है ही नहीं। टूर पे जा रही थी और मैंने सबको बता दिया था कि मुझे उल्टियाँ नहीं होती है, लेकिन क्या हुआ था कि मैंने नीचे खड़े बाइक सवार पर उल्टी कर दी थी, बेचारा चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन मेरी बाइक
चलो चलो बेचारा आगे से आ जाइए। ये सब बाइक अपनी गाड़ी में जाते हुए, हमारी तो शायद ग्रीन नहीं है, मतलब हमारी ब्लू बस ग्रीन बस है, पर अभी हम ग्रीन ब्लू बस में जा रहे हैं क्योंकि जो बस थी हमारी वो बहुत बड़ी थी। अरे टाइट नहीं है बेटा। से हाय, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ बस में ऑन बोर्ड करते हुए। चलिए मिलते हैं आपको जयविला पैलेस में। हमें तो बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है, अगर तेरी और ऋषभ की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अब हम निकल चुके हैं ग्वालियर फोर्ट से और हमारा जो नेक्स्ट मंजिल है वो है जयविला पैलेस। सभी हार जाएंगे। हेलो, देख सकते हैं हम अब निकल रहे हैं ग्वालियर फोर्ट से और शानदार ये फोर्ट था। इसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसे बिल्ट किया गया था सेंचुरीज लॉन्ग एगो, जो आप समझ सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी डायनेस्टी इसमें रही हैं, काफ़ी सारी रानियां इसमें रही थी और काफ़ी ऊंचाई पे ये पहाड़ पे बना हुआ है और बहुत हिस्टोरिकल पैलेस है। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए और यहाँ की हिस्ट्री को जानना चाहिए। थैंक यू। जस्ट एंट्रिंग इन द जय महल पैलेस। न्यू कपल स्पॉटेड, हम जय महल जा रहे हैं। वहाँ पे ये कैमरा और ये वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और 500 रुपये फाइन लग सकता है, विच आर डाइट कैन नॉट अफोर्ड। वी कैन सी सम कपल्स आर होल्डिंग हियर। कपल्स मारो इनको, पत्थर मारो, पत्थर मारो। गाइस आप देख सकते हो, देखो लंगूर के हाथ में अंगूर। गाइस ये अंगूर खट्टे हैं। और नया गाइस ये जय महल व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड व्हाइल द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल। गाइस ये पैलेस भी मेरे पति ने बनवाया मेरे लिए और आई कैन सी दिस पैलेस इज लुकिंग, क्योंकि मैं महारानी हूं। वाइट मार्बल्स आर यूज्ड in this, I cannot speak more than that. इससे ज़्यादा English आती नहीं है इसको बोलने। Before analyzing the whole palace, इससे ज़्यादा English इसको आती नहीं है बोलने। So we will move towards, then we will observe, then we will analyze, and then we will give you conclusion because this is the process of excellent research. Process of. तो अब हम पहुँच चुके हैं जयविला पैलेस पे। काफी शानदार दिखाई दे रहा है सामने से। हाँ। पर हम आपको अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाएंगे नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है भरने के लिए। देख सकते हैं आप यहीं से देख लीजिए, बहुत ही शानदार पैलेस है। इसके अंदर 400 से ज्यादा कमरे हैं और ये जो महल है ये देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से मैं आपकी होस्ट आपको इस महल के हर एक चीज से रूबरू करवाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पे जो गार्डनिंग हो रखी है वो कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है। मेरी आवाज आ रही है? तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो व्हाइट मार्बल से ये केयर करने का कमरा अलग है और मेकअप करने ये सन जब इस पे सनलाइट आ रही है तो कितना ज्यादा ब्राइट लग रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है। दिस इज जस्ट आईज कैचिंग व्यू गाइस, दिस इज जस्ट एस्थेटिक। हेलो, तो आप देख सकते हैं हम जयविला में हमारी राइट एंट्री कर रही है इस वक्त और सभी लोग लाइन लगा के आगे जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं। चलिए गाइस वी
have just visited Sindhia Palace and it was wonderful. Sometimes I really feel unlucky. क्योंकि मैं इतने गरीब घर में होना deserve नहीं करती थी. कम से कम अनन्या की मैं नौकरानी बनना deserve. अनन्या की मैं best friend बन जाऊंगी फिर उसके भाई को पटा दूंगी, क्या फायदा. मेरी स्कीम यह है, इसका भाई 28 साल का है तो मैं सिर्फ अभी 20 साल की होने वाली हूँ. 8 साल ज्यादा होते नहीं है वैसे. तो अभी हम जय बिरला पैलेस में विजिट करके आए हैं. काफ़ी गर्मी थी, धूप निकल रही है और अब हम अपने रिजोर्ट जा रहे हैं. थोड़ा लंच होगा और ये कैसा लगा? गाइस वी आर गुड गुड गोइंग, एंजॉय द ट्रिप. कैसा लगा जय बिरला पैलेस? हैप्पी फैमिली डे. बहुत बढ़िया. वो मैं खरीद लूँ पर फिर उनके पास चला जाएगा. तो बहुत ही शानदार पैलेस था. सब लोग चिढ़ रहे हैं इस पैलेस को देख के. आपको मिलते हैं रिजॉर्ट में.